बिल खत्म हो चुका है। आपके कायरता की कहानी लिखेगा, ये बिल आपके भगोड़ेपन की कहानी लिखेगा, ये बिल आपके संविधान को कुचलने की कहानी लिखेगा, ये बिल आपके द्वारा चुनाव आयोग को समाप्त करने की कहानी लिखेगा। हमें डरने की जरूरत नहीं माननीय, मगर ये सवाल पूरा जो खड़ा हो रहा है वो भय का नहीं है, जिस प्रकार का, अब मैं फिर से सवाल कहता हूं, फिर से शब्द प्रयोग करूंगा, सौतेला व्यवहार आप पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है, इसके कारण ये बिल लेकर आना पड़े। मान्यवर, हमसे तो दुश्मनी हो सकती है, दिल्ली की जनता से क्या दुश्मनी है, उन्होंने तो आपको वोट दिया है, सरकार बनाने का मौका दिया है, भाजपा की खुंदक दिल्ली की जनता पर क्यों निकाल रहे हो? अचानक सपना आया उस दिन, मान्यवर 9 मार्च की तारीख थी, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के लिए करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, उसी के ठीक पहले इनको सपने में आया कि एमसीडी का एकीकरण करना, एमसीडी को एक करना है, और इन्होंने चिट्ठी भेज के चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता को खत्म करने का काम किया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से रोका है। मान्यवर, यह बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है, मान्यवर यह बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की, 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। केजरीवाल को रोकने के लिए कह रहे हमें एमसीडी चलानी है, एमसीडी चलानी है। संजय सिंह, मैं अरे क्या क्या बोला गया सर? नहीं नहीं, डोंट गो इन द पर्सनल, क्या क्या बोला गया? डोंट मेक पर्सनल, क्या क्या बोला? डोंट मेक पर्सनल। मैं आ रहा हूं मुद्दे पे, आ रहा हूं सर। मान्यवर, ये केजरीवाल फोबिया बिल है, केजरीवाल से इनको डर लगता है, रात के सपने में इनको केजरीवाल आते हैं, चुनाव हारने की गाथा बता रहे थे। गृह मंत्री जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया बताया, उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हुई, बहुत अच्छा किया बताया आपने कि गोवा में हमारी जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में हुई। मैं सोच रहा था 51 से निकालूंगा तो आप ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा बात से ही शुरू करते हैं, शुरू कर रहे हो सर। ये 80 में चुनाव में लड़े तमिलनाडु में 0 सीट आई, 84 में लड़े 0 सीट आई, 89 में लड़े 0 सीट आई, 91 में लड़े 0 सीट आई, 96 में लड़े 1 सीट आई, 2001 में लड़े 4 सीट आई, 2006 में लड़े 0 आई, फिर 2011 में लड़े 0 आई, 2016 में लड़े 0 आई, 41 साल, 42 साल टू डू इट द बिल। आप बोले बिल पे कितना बोला इन लोगों ने, यहाँ पे जमानत जब्त की कहानी सुना के बंद करूंगा। साहस रखिए, साहस रखिए। केरल, केरल में 82 में 0, 87 में 0, 91 में 0, 96 में 0, 2001 में 0, 2006 में 0, 2011 में 0, 2016 में 0। आपका टाइम खत्म हो चुका है, आपका टाइम इतना ही है और आपका टाइम खत्म हो चुका है। ये गलत, फिर भी आप बोले रहे, गलत तरीका है। और एक ही बात को रिपीट ना करें, दिल्ली के बिल पे बोले। यहाँ ये बताया गया कितने सीटों पे जमानतें जब्त हुई। सर,
सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, 2012 में 10 साल पहले तो बिल है, बातें तो दो उत्तर प्रदेश पे, दिल्ली के ना दिल्ली का बोले गृह मंत्री जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास पलटिए, इतिहास पलटिए और जानिए। और मैं आपको बताता हूं, परम प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने, 73 सीटों पर लड़े हैं लोग, 54 सीटों पर वहां इनकी जमानत जब्त हुई। हमने इनको 2016-17 में 2700 करोड़ दिया, 2017-18 में 3224 करोड़ दिया, 2018-19 में 3444 करोड़ दिया, 2019-20 में 4756 करोड़ दिया और इस बार इनको 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा धन इनको दिया। माननीय, मैं बताना चाहता हूं ये क्यों लाना पड़ा है। आज मैं जब यहां पर हूं तब संजय भाई ने कहा फोबिया हो गया है, संजय भाई की तरह भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। माननीय, आजकल कर मुझे 27 साल हो गए किसी ने किसी विधायिका में रहते हुए, मैं इसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु सदन की मान्य भाषा में जवाब जरूर दूंगा और मेरा अधिकार है। माननीय, उन्होंने कहा कि फोबिया हो गया है। अरे भाई, फोबिया कैसे होगा, किसको होगा? आप हमारी डिपॉजिट जमानत का आधा डेटा लेकर आए, मैं दे देता हूं, बहुत इससे भी ज्यादा गई है हमारी जमानत, कोई नई बात नहीं है। मगर एक म्युनिसिपैलिटी जीतकर हम ऐसा नहीं कहते थे कांग्रेस को हमारा फोबिया हो गया है, ऐसा अहंकार हम नहीं पालते थे। हम भी देखे हैं समय, भाई बोटाद में हमारी म्युनिसिपैलिटी जनसंघ जीत गई तो आनंद हो जाता था, कह रहे भाई चलो एक बार म्युनिसिपैलिटी जीत गए। परंतु बाद में यहां आकर अटल जी ये नहीं कहते थे कि जवाहरलाल जी आपको अटल बिहारी वाजपेयी का फोबिया हो गया। माननीय, इस चुनाव में ऐसा क्या परिणाम आया है, क्या परिणाम ऐसा आया जिससे हम डरे? मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर उनको 0.38% वोट मिला है आप पार्टी, और 349 डिपॉजिट जब्त हो गई और 306 जगह नोटा से भी कम वोट मिला है। नहीं, मैं फोबिया का जवाब दे रहा हूं रमेश भाई, हमें फोबिया होने का कोई कारण ही नहीं है। मैं जवाब देता हूं पूरा, उत्तराखंड में 68 जमानत जब्त हो गई 70 में से, गोवा में 39 में से 35। प्लीज 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 बोलता हूं मैं, माननीय एलओपी प्लीज प्लीज सीट पर बैठ कर बात कर, माननीय एलओपी प्लीज प्लीज प्लीज। और माननीयवर कोई कोई माननीय गृह मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा प्लीज, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि हम भय से और भय के आक्रांत से बिल लेकर आए। माननीयवर, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों में 454 जगह पे उनकी डिपॉजिट, मुझे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, 4 राज्य में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने फिर से सरकार बनाई, हमें डरने की जरूरत नहीं। माननीयवर, मगर ये सवाल पूरा जो खड़ा हो रहा है वो भय का नहीं है, जिस प्रकार का, अब मैं फिर से सवाल कहता हूं, फिर से शब्द प्रयोग करूंगा, सौतेला व्यवहार आप पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है, इसके कारण ये बिल लेकर आना पड़े। माननीयवर, हमसे तो दुश्मनी हो सकती है, दिल्ली की जनता से क्या दुश्मनी है, उन्होंने तो आपको वोट दिया है, सरकार बनाने का मौका दिया है, भाजपा की खुंदक दिल्ली की जनता पर क्यों निकाल रहे हो? माननीयवर, मैं कुछ बताना चाहता हूं, यहां पर चौथा वित्त आयोग तो पूरा उन्होंने सिरे से निकाल दिया, चलो छोड़ दो, दिल्ली का पांचवा वित्त आयोग जिसमें अनुशंसा की गई कि दिल्ली सरकार ने 40,561 करोड़ रुपया तीनों निगमों को देना है प्रोरेटा, दिल्ली सरकार सहमत नहीं हुई, 21,000 करोड़ के आधा आधा कर दिया, 21,000 करोड़ से सहमत हुई, 19,000 करोड़ तो उड़ा ही दिया, 21,000 करोड़ भी पूरा नहीं दिया माननीय, और इसका कारण भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? हमने
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को जो पांचवें दिल्ली वित्त आयोग ने की उसको मानो ऋण माफी नहीं माना। शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिवृत्ति जो प्राथमिक शालाएं कॉरपोरेशन चला रही है नहीं माना। स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण नहीं माना। बकाया ऋणों पर ब्याज माफ करना नहीं माना। और ये कहते कि हम सौतेला व्यवहार नहीं करते। मान्यवर, टोटल पांच साल के बाद तीनों निगम की कुल देनदारी 16,415 करोड़ है और 19,000 करोड़ इन्होंने तो यही नहीं दिए, बाकी नीचे का तो अलग टोटल होता है। ये 19,000 करोड़ देते तो आज तीनों कॉरपोरेशन प्रॉफिट में होते और 3,000 करोड़ रुपया और नगर निगमों को सुविधाओं के लिए प्राप्त होता। इसको मैं सौतेला व्यवहार ना कहूं तो क्या कहूं मान्यवर? ये सौतेला व्यवहार ही है। वो इसलिए किया जाता है कि नगर निगम का चुनाव आ रहा है, जनता त्राहीमाम हो जाए और आप पार्टी को वोट दे। संजय भाई, ऐसे स्वप्न कभी पूरे नहीं होंगे। जनता सब जानती है, जब ये एकीकरण हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, आ जाइएगा चुनाव के मैदान में, कर लगेंगे दो दो हाथ, कोई नहीं डरता जी, कोई फोबिया नहीं, जरा भी नहीं डरते। कि ना इसके अंदर ये बिल लाने में सरकार ने कोई संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, हर संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ये बिल लाए हैं। ये बिल में हमारी कोई मंशा नहीं है, ना ही इस बिल के लागू होने के बाद, निगमों की तिथि समाप्त होने के बाद हम कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर रखने वाले हैं। एक स्पेशल ऑफिसर आएगा एक्ट के तहत, वो पुराने एक्ट का प्रोविजन है, नए एक्ट का प्रोविजन नहीं है, जो पहले से एक्ट था उसी का है। हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं रखेंगे बंगाल की तरह मान्यवर। एक स्पेशल ऑफिसर आएगा जो ऑफिसर इसको चलाएगा। और चुनाव भी मान्यवर समय पर ही होंगे।